मेरी कहानी का शीर्षक है थी सावन का महीना। सुबह के 6:30 बजे चिड़ियों के चौंकने की आवाज अखिलानंद जी के कानों में मिश्री बोल रही थी। अखिलानंद जी ने बाघ के भ्रमण पत्र से परिक्रमा पूरी की। उन्हें हल्की सी थकावट महसूस हुई। वे बैसाखियों के सारे पास स्थित बेंच में बैठ गए। तभी एक किशोर उनके पास आया, उनके पैर छूकर विनम्रता से बोला, अंकल मेरा नाम अजय है, मैं 11th में पढ़ता हूँ। आपके कारण ही मेरी जिंदगी ठूट होने से बच गई। अगर उस दिन आप हमारे स्कूल में तेज रफ्तार से बाइक चलाने के खतरों के बारे में ना बताते तो मैं भी अपने दोस्तों के बहकावे में आ जाता। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हारा नाम भी बहुत सुंदर और सार्थक है। तुम भविष्य में खूब तरक्की करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए, अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, अजय उनसे विदा लेते हुए बोला। तो वे मुस्कुराते हुए बोले, अपने हम उम्र लड़कों को फास्ट राइडिंग और फास्ट ड्राइविंग के नुकसानों के बारे में बताते रहना अजय, इसे दुर्घटनाएं टल सकती है। आप लोगों की उम्र में जोश तो होता है पर होश नहीं, जबकि यह ऐसी उम्र होती है जहां पर संभल कर कदम रखने से आप लोग अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मगर अंकल हमारी उम्र के लड़के लड़कियां किसी की सलाह मानते ही कहां है। मैंने भी युवराज और नकुल को उस रात स्टंट करने से खूब रोका था, पर उन्होंने मेरी खूब हंसी उड़ाई। अब देखो दोनों की जिंदगी कैसे ठूंठ जैसी हो गई। अपने दोनों दोस्तों की दुर्दशा को याद करते उसने आज स्वर में उत्तर दी। लेकिन दूसरी बार जब उनके कानों में ठूंट सब टकराया तो उनका दिमाग झंझना उठा। उनकी स्मृतियों की सुप्त ज्वालामुखी का लावा फूट पड़ा। उनकी आंखें अतीत की बोझिल यादों से अदमुदी सी हो गई। उनकी सुरमई आंखों के सामने लिखत की सारी बातें चलचित्र की भांति साकार होती। उस दिन उनका बीए का परीक्षा फल आया था, वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। यह समाचार सुनते ही उनके पिता परमानंद जी की खुशियों का ठिकाना न रहा। वे उन्हें गोद में उठाकर बोले, हमारे खानदान में पहली बार किसी ने बीए पास किया है। मैं 10वीं पास करते ही से दीनानाथ की फैक्ट्री में मुनीमगिरी करने में लग गया था। तब से परिवार के सभी की इच्छाओं की पूरी करते करते आ रहा हूँ। तब से परिवार के सभी की इच्छाओं और जरूरतों को पूरी करता आ रहा हूँ। बोल बेटा तुझे इस खुशी के मौके में क्या चाहिए। इस पर उनकी बड़ी बहन मिताली थुनकते हुए बोली, पापा मेरी भी एमए में फर्स्ट डिवीजन आई थी। पहली बार में ही बिना कोचिंग के मैंने पटवारी की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन आपने मुझे ये नौकरी करने ही नहीं दी। यह सुनते उनकी दादी आंख नचाते हुए बोली, अरे यह तो हमारा कुल दीपक है, हमारे बुढ़ापे की लाठी। तुम तीनों बहनों की पढ़ाई हमारे किस काम, तुम लोग तो पराया धन हो। रामदयाल जी के बेटे अतुल की शादी भी तेरे साथ इसी कंडीशन पे संभव होगी। उनके छोटे बेटे अनामिका के साथ हमें अखिलानंद की शादी करनी पड़ी। दादी और दीदी की इस बस में कहीं उनकी मांग अधूरी ना रह जाए, इसीलिए वे हिम्मत करके बोले, मैं तो आटा साटा विवाह के खिलाफ था, फिर भी दीदी के लिए मैंने आप लोगों की यह बात भी मान ली। हाँ बेटा तू एक बार अपनी इच्छा तो बता, तुझे क्या चाहिए। परमानंद जी ने उसे गोद से उतारते हुए कहा, पापा मेरे सभी दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, बस मैं ही बरसों से आपकी खटारा साइकिल को स्कूल कॉलेज में घसीट रहा हूँ। आपके सेठ जी का बेटा है ना अमन, वो मेरे क्लास फेलो है, हमेशा मुझे अपनी नई मोटरसाइकिल का रोक झाड़ता रहता है। वे मौके पर छक्का मारने के अंदाज में बोल पड़े, तो हमारे राजा बेटा को अमन बाबा जैसे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। बेटा पहली बार तुमने मुझसे बाइक मांगी, तुझे मैं कैसे निराश करूं। परमानंद जी हताश होकर बोले। अपने पोते के आस पर झाड़ू फिरते देख उनकी दादी चिढ़ गई। वे रौद्र स्वर में बोली, परमू दीनानाथ जी के सामने गिड़गिड़ाकर एडवांस मांगने का कोई फायदा नहीं, यह ले मेरे सोने की चैन, इसे बेचकर मेरे अखिलानंद की को उसकी मनचाही बाइक दिला दे। उनके पिता परमानंद जी दबे स्वर में बोले, यह तो माँ आपकी सास की आखिरी निशानी है, इसे मैं कैसे बेचूं। पर दादी की दलीलों के सामने उनके पिता की एक न चली। दूसरे दिन सुबह ही वे अपने पिता के साथ सजदस कर मोटरसाइकिल के एक शोरूम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे दोनों एक अविस्मरणीय आनंद से भर उठे, पर वहां उन्हें अपनी पसंदीदा बाइक नहीं मिली।
फिर थार के दूसरे प्रसिद्ध गुरु में पहुंचकर परमानंद जी उनसे बोले, बेटा तेरे कारण मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। अभी तक तो मैं सेठ जी के बेटे और रिश्तेदारों के साथ इस शोरूम में आया था, आज मैं तुझे तेरी मनपसंद मोटरसाइकिल दिलवा कर ही रहूंगा। दोनों पिता पुत्र जब मोटरसाइकिल लेकर घर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। दादी ने मोटरसाइकिल की आर्थिक तारीफ पूरे मोहल्ले में दो दो लड्डू बांटे। उस दिन भारी नहीं उनकी बाइक में वे एमए का फॉर्म भरकर घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें अमन मिला। उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मोटरसाइकिल पर स्टंट करके दिखाया। अखिलानंद जी मंत्र मुख से अमन को बाइक में कलाबाजियां करते देखते रहे। उन्होंने भी अमन से बाइक में करतब सीखने का अनुरोध किया। फिर क्या था, उसी दिन से अमन ने एक से बढ़कर एक रोमांचकारी स्टंट सिखाने लगा। जब इस बात की जानकारी मिताली दी और उनकी माँ को हुई तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन उन पर रत्ती भर असर नहीं हुआ। उल्टे माँ और दीदी को उन्होंने डांटते हुए कहा, मैं लड़का हूँ, इस उम्र में अगर फास्ट ड्राइविंग नहीं करूंगा तो क्या बुढ़ापे में करूंगा। पिताजी भी बोले, खबरदार तुम मेरे बेटे को कुछ कहा, एक ही तो बेटा है मेरा। यह सुनकर उन्हें अपने खास होने का एहसास होने लगा। उन्हें लगा माँ और दीदी तो फालतू ही बकती रहती। जिस दिन उनकी सगाई थी सारा घर मेहमानों की चहल पहल से गुलजार था। उनके माता पिता और दादी फूले नहीं समा रहे थे, उनकी सुरमई आंखों में सुखद भविष्य के सपने तैर रहे थे। इस मौके में सेठ सेठानी और अमन को देखकर उनके पिता का सीना गर्व से उठा। अमन की मिलनसारिता और आभिजात्यपूर्ण व्यवहार ने उनके ससुराल वालों पर तगड़ा प्रभाव था। जैसे ही वे सारी रस्में निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, अमन चुपके से उनके पास आकर बोला, आज थोड़ी देर बाद हाईवे में स्टंट करने का कंपटीशन है, फर्स्ट विनर को फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, बाकी तीन रनर अप को 50,000 रुपए नगद मिलेंगे। लेकिन यार आज तो मैं अपने घर से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, उन्होंने मायूस होते हुए कहा। क्या लड़कियों की तरह सर मारा है, बस एक ही घंटे की तो बात है, तू मुझे सी ऑफ करने का बहाना करके घर से निकल पड़। अमन ने उन्हें इस तरह उलझा दिया कि वे उसे ना नहीं कर सके। आनंद फानन ही वे उसके साथ घर से निकल पड़े। हाईवे में आते ही तेजी से आते जाते भारी वाहनों को देखकर वे घबरा उठे, उनका दिल दुख दुख करने लगा। वे अमन से गिड़गिड़ाते हुए बोले, यार मुझे डर सा लग रहा है, मेरा मन कह रहा है विनर या रनर अप नहीं बन पाऊंगा। पागल मत बन अखिल, ऐसा सुनहरा मौका फिर तुझे कहाँ मिलेगा, शादी के बाद कौन तुझे स्टंट करने देगा, अपने मन के भय को दूर भगा, रनर अप बनने की तैयारी कर। वो देख स्टार्टिंग पॉइंट कहकर अमन फराटे से चलती मोटरसाइकिल में खड़ा होकर उनसे आगे निकल गया। ये देखकर उन्हें भी जोश आ गया, वे भी चलती मोटरसाइकिल में हवा में हाथ लहराते हुए हवा से बात करने लगे। अभी मुश्किल से 2 मिनट ही हुए थे, सामने से आते हुए तेज रफ्तार ट्रक की हेडलाइट की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गई। पल भरते उनकी मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई, वे मोटरसाइकिल से उछल कर सड़क के किनारे जा पड़े। फिर सिर पर चोट लगते ही वे बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो उनकी बाईं आंख और दोनों पैरों में असह्य दर्द हो रहा था। उन्हें होश में आया देख उनके पास खड़ी मिताली दीदी खुशी से खिलकते हुए बोली, अरे भैया को होश आ गया। यह सुनकर बाढ़ के बाहर खड़े उनके माता पिता ने चैन की सांस ली, पर मुझे यहाँ कौन लेके आया, मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, मुझे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, क्या मैं फिर से पहले की तरह चल फिर पाऊंगा, उन्होंने बेसब्री से पूछा। 2 दिन पहले हाईवे के किनारे आप हमारी संस्था के स्वयं सेवकों को बेहोशों की हालत में मिले थे, एक अपरिचित स्वर उनके कानों से आ टकराया, आपका परिचय, उन्होंने उस सज्जन से पूछा। बेटा मेरा नाम सत्यनारायण है, 10 साल पहले मेरा छोटा भाई नवनीत ऑफिस से पैदल ही घर लौट रहा था, एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने अनंत होकर उसे रौंद दिया। नवनीत तो हमें रोता बिलकता छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया, लेकिन मेरी माँ बिस्तर पर लग गई, मैं उन्हें नहीं खोना चाहता, इसीलिए मैंने सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों की मदद करने की सोची और उसके लिए छोटी सी टीम बनाई। धीरे धीरे सड़क हादसों में घायल होने वाले भी हमारे साथ जुटते गए, इस तरह हमारी संस्था का गठन हुआ। आज मेरी माँ इस संस्था की सर्वे सर्वा है। तभी नर्स को दवाई लेकर आते देख सत्यनारायण जी वहां से चले गए। पूरे 3 महीने बाद जब वे घर लौटे तो उनकी हालत देखकर उनकी दादी और माँ शक्ति में आ गई। उनके भावी ससुर को जब इस हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। इस सदमे से उनकी दादी और माँ को ऐसा धक्का लगा कि दोनों बिस्तर पर लग गए। अपनी लाचारी और माँ दादी की हालत देखकर उनके
उनके मन में आत्महत्या के विचार उठने लगे। ऐसे प्रतिकूल समय में मिताली जीजू ने कमर कसकर उनकी जिंदगी नए सिरे से संवारने के लिए उठ खड़ा होना का फैसला किया। उन्होंने घर पर ही एक कोचिंग सेंटर खोल दिया। उसका निर्देशक उन्हें बना दिया। अपनी छोटी बहनों की रुचि के अनुसार उन्हें सिलाई और सौंदर्य प्रसादिका का कोर्स करवा दिया। उन दोनों को घर में ही अलग अलग कमरे देकर उनका व्यवसाय जमाने में मदद की। दीदी का सहारा पाकर वे नवनीत संस्था के सक्रिय सदस्य बन गए। संस्था के लोगों ने चंदा करके उनका फिर से इलाज कराया, जिससे वे बैसाखियों के सारे चलने फिरने लगे। बच्चों को घर जाकर पढ़ाने लगे, जिससे उन्हें अच्छी आय मिलने लगी। आजीविका की समस्या का समाधान होते ही वे समाज सेवा में संलग्न लगे। वे युवाओं और नाबालिग बच्चों को सुरक्षित ढंग से वाहन चलाने के विषय में जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित करने लगे, जिससे शहर में दुर्घटनाओं में बहुत कमी आ गई। आज अपने प्रयास की सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण देकर वे मन ही मन हर्षित होने लगे। तभी उनकी नजर फूट बन चुके एक झाड़ी पर पड़ी। अचानक उस फूट पर एक चिड़िया चहकने लगी। उन्होंने गौर से देखा, सावन की बरसात से उस फूट पर नई नई कोकिलें लहरा रही थी। यह देखकर वे एक नए जोश से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा स्वाभिमान से दमकते देख अजय के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी।